जी, हम लोग फिर तीसरे सेशन में जुड़ गए हैं जो अभ्यास सत्र का सेशन है, और अभी 7 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। तो एनीवे हम लोग शुरू कर सकते हैं। अब डॉक्टर आर के गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए। बाकी ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लगातार कंटिन्यू बने हुए हैं, और अतुल जी जुड़े हुए हैं, प्रखरवर्ता पार्षार्थी थपलियाल जी, डॉक्टर मीना जी भी जुड़ी हुई है, प्रखर वार्षणेय जी जो हैं वो होस्ट हैं आज के। और हम लोग अब शुरू करें। मैं उदय कुमार मन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम लोग 2 दिन का ये सेशन कर रहे हैं, अंतिम सेशन जो है, तीसरा सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। पार्षार्थी थपलियाल साहब आरजेएस के आरजेएस स्टार भी हैं और प्रखर वक्ता हैं आज के। और आरजेएस के जो जो हमारे प्रेरणा स्रोत रामजग सिंह जी ने उद्घाटन किया था, और जो दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर हैं उन्होंने सभी लोगों का स्वागत किया था, और जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे सभी जुड़ेंगे। और ये सेशन अब देखिए 7 लोग हैं पार्टिसिपेंट अभी, और उम्मीद है कि और लोग जुड़ेंगे। तब तक जो अभ्यास सत्र है उसको पार्षार्थी थपलियाल साहब आप कंटिन्यू करें। जी मित्रों, पुनः आपका स्वागत है। पूरा जो है स्क्रीन उस तरह से ले लें ताकि मुझे जो है दिख जाए कि कौन कौन प्रतिभागी हैं और उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, जी, बात सके। जी, और माइक लोग अपना म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, जिससे बात होगी वो खोल लेगा। जी मैडम, आप अपना नाम बताएं। हेलो जी, मैं जी, हाँ, मैं जी, जी, मैं मेरा नाम डॉक्टर मीना हुआ जी। मैं पटना यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। जी जी जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जो अभी आप सुन रहे हैं, क्या कुछ बातें आपके मतलब की मिली या नहीं मिली? बिल्कुल मिली है सर, कुछ उसमें क्वेश्चन भी है हमारा। आपने सेकंड सत्र में सर आपने पूछा था कि रिश्ता न तोड़े दिल न तोड़े, तो वैसे मनुष्य जो हमारे पीछे लगे रहते हैं, हमारे पीछे चुगली करते रहते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारा बुरा करते हैं, क्योंकि हमारे कार्यालय में ये सब बहुत चीजें चलते रहती हैं, तो क्या उनसे रिश्ता रखना अच्छा होगा? देखिए जो है ये तो मैं आपको इसमें सकारात्मकता ये बताऊं कि जो लोग आपसे द्वेष करते हैं, रिश्ता जो है वैसा रखते हैं, तनावपूर्ण या ईर्ष्या भाव के साथ में रखते हैं, तो मैं ये कहता हूं आप बुरा मत मानिएगा। जब भी हमारी कोई असफलताएं होती है उसमें आधा हिस्सा हमारा होता है, तो इसका मतलब जो है यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को त्रिदोषः, आपके प्रयास करने पर भी कोई चीज अगर सही नहीं हो पा रही, सिद्ध नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब हमें अपने आप में ढूंढना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं ऐसी ऐसी जगहों पर काम किया हूं जहां पर कि लोगों ने अफसरों को पीट दिया, कुछ कर दिया, और बाद में सेकंड राउंड में मेरा ही टर्न पड़ा उनको गवर्न करने का, और मेरा पीरियड उनके साथ में बहुत दोस्ताना रहा, मैं कहीं झुका नहीं, मैंने काम पूरा करवाया उन लोगों से और बड़ी मैत्री भाव से मेरा काम हुआ। वो क्या है कि आप थोड़ा प्रयोग करके देखिए, ये प्रयोग करके देखिए कि थोड़ा उनके साथ में मुस्कुरा करके बात कर लीजिएगा। कोई जो है कुछ कह रहा है तो उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश कीजिएगा। जीवन में जो लोग जो है नजरअंदाज नहीं करते हैं वो बहुत सारी समस्याओं के अपने घर ले जाते हैं, फिर घर में भी तनाव होता है, फिर वो तनाव जो है इतना बढ़ता है कि नौकरी छूट नहीं आ रहा ना, ये आ रहा ना वहां पे। इतना बुरा कोई नहीं होता है कि वो बिगाड़ा कर सके, लेकिन चुगलखोर लोग जो है दफ्तरों में होते हैं, हमारे दफ्तरों में भी रहे हैं, तो उसका हमने यही उपाय देखा है कि आप विनम्र हो जाए और उनके साथ थोड़ा मिक्सअप, तो आप जो है चंद दिनों में ये पाएंगे कि वो लोग आपके लिए जो है पानी ला रहे होंगे या आपके कहे मुताबिक वो काम कर रहे होंगे, तो इसलिए जो है ये होता है। बाकी आपने अभी कुछ लिखा कि अपनी अच्छाइयां और कमियां? लिखा तो नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि आपकी बातें मैं सुन रही थी इसलिए लिख नहीं पाई मैं।
अच्छा तू अगर लिखा नहीं कमी तो कल, है, वो कल, तो मैं कल, जानती हूं। कल अगर मैं अच्छा अपनी तीन कमियां बताओ। उसमें तीन कमी जी ये कि मिक्सअप नहीं हूँ। नहीं नहीं मैं मिक्सअप तो बहुत ज्यादा हूँ, मिलनसार भी हूँ, यही मुझ में लगता है कि कमी है, इसमें सुधार होना चाहिए। दयावान भी उतना ही हूँ। नहीं तीन कमियां होती है, हर कोई आदमी होता है उसको कमियां, उसमें ना कोई कमियां होती हैं, मेरे में भी हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ईश्वर का रूप हूँ कि मुझे कोई कमियां नजर ना हो, मुझे मालूम है हर इंसान में कुछ। लेकिन ये है कि आदमी पहचानता है कि नहीं पहचानता, ताकि मैं दूसरे की तरफ जाऊंगा। जी जी तीन तीन फट से बताइए, उद्देश्य यह है कि आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते अपनी, ये कहने का मतलब। जी 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 दूसरों की बात पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ, दूसरे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बोलते भी है तो मैं अपना काम में मग्न रहती हूँ, ये शायद मेरे में कमी है। ये तो अच्छी बात है, दूसरे के काम में क्यों जो है विघ्न बाधा पैदा करना है, बताने में संकोच है। जी 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 कभी 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 मतलब ये जैसे किसी का विचार है तो उच्च विचार है उसको मैं ग्रहण कर लेती हूँ, लेकिन किसी के विचार से यदि मेल नहीं खाता है तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती हूँ। ये भी अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। चलो दूसरे से मिलते हैं कि वो समय कम होगा, फटाफट कर मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, तब तक जो है ये काम भी साथ साथ में करते रहिए। जो जो हमने आपको ज्यादा ले लिया आपने, हमको हमने आपको जी एक हमारे लिए भी भेज देना जी, आपको हमने दो अभ्यास के पत्र दिए हैं उस पे भी काम करते रहिए। और उसमें जैसे कि हमने ये दिया है, जो पहला वाला है वो राष्ट्र के प्रति सम्मान से संबंधित है, तो उसमें ये देखिए कि जो बिंदु दिए हुए हैं आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। पक्ष में हैं तो हाँ कह दीजिए उस कॉलम में, और विपक्ष में तो वहां हाँ कह दीजिए। पक्ष में है तो पक्ष वाले कॉलम में हाँ कहिए, और विपक्ष में है तो विपक्ष वाले कॉलम में हाँ लिखिएगा, और पहले कॉलम पर डैश कर दीजिएगा। ये सभी लोग जो है करते रहें, क्योंकि समय कम होगा तो फिर बात हो नहीं पाएगी। और इसी तरह से जो दूसरा वाला अभ्यास है उसको भी, ये 2-3 मिनट का ही काम है, ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि आपके विचार क्या है। अब मैं चाहूंगा कि दूसरा जो प्रतिभागी है जिन्होंने अपने गुण लिखे हैं अच्छे या बुरे, वे कृपया सामने आ जाएं। किसने लिखा है? हेलो, मुझे थोड़ा सा अगर ये स्क्रीन पूरा दिखाई दे कि कौन लोग सामने हैं तो मुझे पता चले कि मैं किसी से कह सकता हूँ। हेलो जी, यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो लोग वो मैं नाम बता देता हूँ। दीपचंद माथुर जी हैं, डॉक्टर मीना जी हैं, संतोष झा जी हैं, ललित जी हैं, ओम प्रकाश झुनझुनवाले जी, रिंकल शर्मा, हाँ रिंकल शर्मा जी हैं, आरके गुप्ता, डॉक्टर आरके गुप्ता जी हैं, सुमन झुनझुनवाला जी हैं, रिंकल शर्मा बहन जी अगर है तो आ जाइए फ्रंट पे। रिंकल शर्मा जी, पार्थसारथी थपलियाल जी कुछ बात करना चाह रहे हैं, सुमन झुनझुनवाला जी आप हैं तो आ जाइए। जो लोग भी स्क्रीन पे आना चाहें आप आइए, बल्कि सभी को दिखा दो नहीं, एक बार तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन आदमी है, फिर मैं बात कर लूं। तो आप जो डॉट 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 है उसको क्लिक करेंगे थपलियाल सर तो पता चल जाएगा, आपके आपके मोबाइल के नीचे जो है ना डॉट डॉट आया होगा, तो बारी बारी से डॉट डॉट को करेंगे तो आ जाएगा वो। ये भी गया, जी कोई भी आइए स्क्रीन पे, ओपन है, आइए आप लोग। सिर्फ डॉक्टर मीना आई जी। मीना जी जी
दोबारा से फिर आप ही कुछ सुनाइए। सर एक और मेरा प्रश्न है कि मुझे नाजायज सुनने की आदत नहीं है, यदि मेरे बारे में कोई नाजायज बोलता है तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, इसके लिए क्या करना होगा? अब इसके लिए देखिए जो है ना, आपको लगता है कि नाजायज है, लेकिन जैसे कि अगर अगर मैं घर की बात कहूं, और घरों में ये होता है अक्सर छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, उसमें अगर उदार दृष्टिकोण के साथ में हम व्यवहार शुरू कर दें तो ये होता है कि सामने वाले को भी समझ में आ जाता है। और अब वह जमाने गए जबकि लोग शासन किया करते थे, अब ये जमाना है जब लोग जो है बहू को भी बेटी की तरह मानते हैं और बराबरी पर काम करते हैं, और वो भी जानते हैं कि जो बहू काम करने वाली है, सर्विस करने वाली है, उसको रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है घर में, और आमतौर पर इन्हीं विचारों पर जो है कहीं कुछ होता है। और उसका उपाय यही है कि थोड़ा सा जो घर में लोग हैं उनके चिंतन को बदला जाए, कभी मिल बैठ करके बात की जाए और बात करके अपनी बात समझा दी जाए, उस समय लड़ाई झगड़ा ना हो। देखो जो है दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, एक होता है टोन और एक होता है पिच। आवाज का जो है लेवल वो बहुत कुछ काम करता है, अच्छा या बुरा, तो वो समझने और समझाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या का अच्छा हल हो जाएगा। जहाँ देरानी जेठानी होती हैं वहां भी थोड़ी सी समस्या होती है, और माना कि जो एक भाई जो है अच्छा कमाता है, दूसरा उतना नहीं कमाता है, तो दोनों में कहीं ना कहीं एक तनाव भी रहता है। वो जहाँ तनाव की स्थिति है वहां आप उदारता दिखा दीजिए, कोई चीज है वो जो है उनको दे दीजिए कि बहन पहले आप देख लो फिर मैं बाद में देख लूंगी। मैंने अभी जो है ना शायद एक सप्ताह पहले मन्ना जी ने कोई रिकॉर्डिंग मांगी थी, मैंने उसमें जो है वो भेजा था कि एक परिवार था, परिवार बहुत अच्छा खाता पीता था, दो भाई थे और दोनों के दो बच्चे भी थे, एक शेख जो है 7 साल का था, एक 10 साल का था, और दोनों देरानी जेठानी में बहुत अच्छी मित्रता भी थी और लगता नहीं था कि कोई अलग है इस तरह की बात। एक दिन जो बड़ा भाई था बाजार गया था, बाजार से आते हुए दो कॉफी लाया था, एक छोटी ले आया एक बड़ी लाया, एक 10 रुपए वाली ले आया एक 30 रुपए वाली, और जब घर पर आकर के बच्चों को दिया तो उसने पहले से ये तय कर लिया था कि ये बड़ा वाला मेरे बच्चे मेरे अपने बेटे के लिए है, ये छोटा वाला छोटे भाई के बेटे से। पास में बैठा, जब वो दे रहा था पास में बैठा हुआ जो छोटा भाई था उसने उस दृश्य को देख लिया, तो छोटे भाई को ये लगा कि मेरा बड़ा भाई इस तरह का भेद करता है कि दो तरह की टॉफी लाता है या चॉकलेट लाता है और अपने वाले को बड़ा दिया। वो दिन था, उस घटना ने उस परिवार को तोड़ने की कोई कमी नहीं रखी और परिवार टूट गया। तो अगर सब में एक सामंजस्य हो, आपस में बात करते हो बड़े प्यार से बात कीजिएगा, लेकिन वो सब में होना चाहिए, केवल एक के होने से काम बनेगा नहीं, लेकिन एक काम कर सकता है अगर उसमें जो इतनी ताकत है, भारत मुक्ता की ताकत है, वो निश्चित तौर से बाकियों को भी, हमारे मोदी जी हैं पूरी दुनिया को जो है ये करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वो आदमी में जो है तो संगठन की क्वालिटी वो होनी चाहिए। और जिस दिन आप ये कर लेंगे तो ये आज ये क्योंकि छोटी सी एक कार्यशाला है उसे बहुत सारी बातें उस तरह से नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये सोचना है कि आपकी बात मानी जाएगी और आप अपने घर में यश प्राप्त करेंगे, निश्चित तौर से करेंगे जी। दूसरी मैडम थी पास में, कौन थी अभी, हेलो सर उन्हें दिखाएं, वो भी कुछ कहना चाहती थी शायद। हेलो हेलो आइए दूसरे दूसरे पा, हाँ आइए आइए स्क्रीन पे आइए, बोलिए बोलिए आप आ रहे हैं, बोलिए बोलिए। नमस्ते सर, मैं संतोष बोल रही हूँ। हाँ सर, मुझे ये था, मैं कोई भी काम जैसे अच्छी काम होती है कोई भी काम है तो मैं ना लंबे टाइम तक नहीं कर पाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ फिर बाद में मतलब ऐसे होता है कि कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है करना चाहिए, अच्छा चीज है वो जो है संकल्प की कमी है।
एक्चुअल में यह है कि जैसे आपको आपकी सहेली को प्रेरित करती है, तो आप सहेली जितने समय तक आपके दिमाग में बनी रहती है उतनी देर तक आप उस काम को कंटिन्यू रखती हैं, लेकिन जैसे सहेली का प्रभाव आपके दिमाग से हटता है तो वैसी जो वो काम धीरे धीरे आप नए काम की तरफ चलेंगे, वो काम छूट जाता है। इसलिए जो है एक तो संकल्प जो है दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और जो लोग दृढ़ संकल्प करते हैं, आपको मालूम हो अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा, उसने एवरेस्ट की चोटी पर फतेह की थी 2011 में अप्रैल के महीने में। जब वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी ट्रेन से, तो रास्ते में बरेली के आसपास बदमाश लोग उस ट्रेन में चढ़े और बदतमीजी की होगी, जो भी किया होगा उन्होंने उसे धक्का मार करके और ट्रेन से बाहर गिरा दिया। रात के करीब 1 बजे की बात हुई, और फिर उन्होंने ये किया कि वो लड़की जो है रात भर वहां उसके मतलब खून बहता गया और अचेत अवस्था में पहुंच गई। जब सुबह जो जो गाड़ी के जो निरीक्षक होते हैं, जो लाइन के निरीक्षक होते हैं, जब उधर कहीं निकल रहे होंगे तो देखा कि लड़की वहां पर गिरी पड़ी हुई है, उसको उठा करके ले गए बरेली, ले गए फिर दिल्ली लाए, फिर उसका इलाज हुआ। वो ये लड़की एक बार तो हताश हो गई थी कि अब तो मैं, मेरी वो वॉलीबॉल की राष्ट्रीय चैंपियन राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, और आप ये देखिए कि उसने उसी समय जब उसका इलाज हो रहा था उन कष्टों को देखते हुए एक बार अपने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ हो लेकिन मुझे तो ठीक होना है और मुझे जो है एवरेस्ट पर चढ़ना है एक बार पे। जब वो जो है कोई काफी समय के बाद हॉस्पिटल से बाहर आई, तो पहले व्हीलचेयर पर चला करती थी, फिर धीरे धीरे करके चलना शुरू किया। फिर उसने बचेंद्री पाल से संपर्क किया टाटा इंस्टीट्यूट में, तो वहां से जो साहब वो पर्वतारोहण का फिर कोर्स किया, और 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट पर फतेह कर ली, और वो जो है दुनिया की पहली महिला है जो कि विकलांग थी और एवरेस्ट पर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी। उसके बाद जो है अरुणिमा सिन्हा ने वो संकल्प किया कि विश्व में जितनी भी ऐसी जो है 7 ऊंची ऊंची चोटियां, जितने भी महाद्वीप होते हैं, मुझे वो जीतनी है। और जब मैंने उसका इंटरव्यू किया था 2 साल पहले, वो उस समय तक उसने 7 में से 6 चोटियां फतेह कर ली थी। ये आपके संकल्प पर है कि आप उनका उनके साथ में रह संकल्प के साथ रहना चाहते हैं या विकल्प के साथ में रहना चाहते। तो जिस दिन आप सोच लेंगे कि हमें ये करना है, उस दिन हो जाएगा। तब जो है जो मेहनत करने वाले होते ना, उनकी कभी हार नहीं, तो उन्हें तो जो जीतना ही है। वो जो मैडम आई थी सरोज, क्या नाम था, सरोज, हेलो संतोष जी, जी आप इंदौर से हैं जी जी सर। अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात सर, है सर। एक चीज और मुझे पूछना था सर, एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई भी जरूर एक्चुअली क्या होता है कि जो कोई भी काम होता है, मैं सोचती हूँ कि ये करना है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन इनिशिएट करने की बारी आती है ना, तो मैं अपने आप को पीछे कर लेती हूँ, तो इनिशिएट शुरुआत ही नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ बहुत कुछ आनी है, अच्छा चीज है, अच्छा है, टेबल पर कोई आएंगे वो बताएंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो है आत्मविश्वास की कमी के कारण ऐसा होता है, आत्मविश्वास की कमी के कारण ऐसा होता है। और नहीं तो व्यक्ति में जो है एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, और जब लीडरशिप क्वालिटी होती है तो वो लोगों को साथ में जोड़ करके उनका नेतृत्व कर सकता है। ये जो प्रशिक्षण है, इसका उद्देश्य यह है कि आपने लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाए। वो तभी होगा जब आप में आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास होगा तो आप उस काम को करिए और उसको एकदम दूसरे छोर तक पहुंचाए, जहां उस काम को होना है वहां तक पहुंचा दीजिए, और अपनी असफलताओं को या विफलताओं को याद मत रखिए। आज से एक नया सिद्धांत अपने जीवन में शुरू कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि जो है आपकी ये जो कठिनाई है कि आप लीडरशिप क्वालिटी नहीं रखती हैं, लेकिन आपको काम करना अच्छा लगता है, लेकिन वो दूसरों के साथ में। जो मैं समझ सका हूँ वो ये है कि एक तो मोटिवेशन की कमी है कि
कि अगर कोई आदमी थोड़ा बीच बीच में जो है कुछ कुछ मोटिवेट करता रहे तो आप कर सकती हैं, लेकिन आज से आप ये कोशिश कीजिएगा कि अपने जो है इस भाव को छोड़ दीजिएगा कि आप नहीं कर सकती थी या आप में ये कमी है। आज से ये मान करके चलिए कि आप कर सकती हैं, और उस कर सकने के लिए आप दृढ़ संकल्प हो करके, और जो बात मैं कह रहा हूं कि उसको करना है मतलब करना है। आपको अगर सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना चाहिए, आप 8 बजे उठने की आदत है तो फिर 6 बजे कैसे उठेंगे, तो 6 और 8 के बीच का जो काम है वो पेंडिंग चला जाएगा, तो इस तरह से आपके पास वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाएगा। वर्कलोड ज्यादा बढ़ने से फिर होगा ये कि रात को देर से सोएंगे, और देर से सोएंगे तो देर से उठेंगे। इसलिए अपनी कोशिशें ये कीजिएगा कि जो काम जब करना है तभी कर डालिए, क्योंकि जो है काम को जितना हम पेंडिंग छोड़ते हैं वो हमारे लिए दिन भर के लिए समस्या बन जाता है। तो महिलाओं को कई बार 11-12 बजे तक जो है मेरी बेटी है वो भी ऐसे ही करती है, उसको कई बार कहता हूँ 10 बजे सो जाए, ये समय आपका वो है जो सोने का है वो आपका है, उस समय आप जो तसल्ली से सोइए, गहरी नींद सोइए। एक चीज और है, जब भी सोए तो बाईं करवट सोए। जब हम सीधे सोते हैं तो सांस लेने में उतनी सहजता नहीं होती है, और क्योंकि हमारे जो है जो फेफड़े और बाकी इस तरह के अंग हैं वो सब बाईं तरफ हैं, वो नीचे की तरफ रहना चाहिए, दायां तरफ नहीं। आप जब सुबह उठते हैं तो जो है दाईं तरफ करवट लेकर के, यानी बाएं हाथ ऊपर की तरफ रहना चाहिए, और फिर पहले बाएं हाथ जो है अपने बिस्तर पर रखें, दाएं हाथ से सहारा देकर के खड़े हो जाएं, उसके बाद ये करें। आप तो जग गए लेकिन शरीर नहीं जगा, आप जग गए हैं लेकिन शरीर नहीं जगा है। शरीर को जगाने के लिए थोड़ी देर आप ऐसे शरीर बजड़िए उसको, थोड़ी देर में आ जाए, उसके बाद अपने आंखों के ऊपर उसको, तो ये हिस्सा भी हमारा एक्टिव। हम क्या करते हैं, बिस्तर से उठते हैं, ठंडे पानी के पास जाके अभी तक चेहरा जो मुरझाया हुआ है, फिर जो पानी डालते हैं तो एकदम से ठंड भी लगती है कुछ होता है, तो ये सब चीजें हैं वो बेहतर कीजिएगा। तो मैं सोचता हूँ कि आपका जो है ये बढ़िया हो गया जी। थैंक यू। जो अभी एक्सरसाइज आप कर रहे थे उसमें कुछ हुआ, जो दूसरी एक्सरसाइज मैंने कहा था हाना वाली, जी जी, तो उसमें कुछ किए हैं क्या? जो हमने कहा था प्रबोधकों के लिए प्रशिक्षण, जिसमें है कि राष्ट्र के प्रति सम्मान, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के प्रति दृष्टिकोण, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मेरा भी वो छूट गया सर, वो उदार सोच वाला है प्रवृत्ति जो है। मेरा ये कहना था कि ये हमने सूचना इसलिए आपको बहुत पहले भी नहीं भेजी थी कि कहीं ऐसे ना हो कि लोग भूल जाएंगे, तो पहले शाम को भेजेंगे और उसके साथ में ये बता देंगे कि इसको कल साथ में रखना है। आप लोग ये करेंगे कि जब आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा, या कल भी कर सकते हैं लेकिन आज शाम तक कर लें, और ये कंप्लीट करके उसके नीचे अपना नाम और दस्तखत करके जो है मन्ना जी को आप भेज दीजिएगा, उसका हम जो है मूल्यांकन करना चाहेंगे। और अगर दोबारा ऐसी कोई वो होती है, मीटिंग होती है, कार्यशाला होती है, तो उसमें हम उस मूल्यांकन को प्रस्तुत करेंगे कि हमें इसमें क्या करने की जरूरत है, सोच बदलने के लिए हमें क्या करना जरूरी है। तो ये हमारा उद्देश्य था जिसे कि हम आज किसी कारण से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मैं उसको असफलता नहीं मानता हूँ, क्योंकि जीवन में अक्सर हमें इस तरह की आदत होती है कि चलो देख लेते हैं। आपको इतना ये नहीं रहा होगा कि इतने गंभीर विषय के साथ हम बात करेंगे। मैं बताऊं कि जब करीब 4-5 दिन हो गए होंगे जब ये बात हुई थी, 30 पेज लिखे होंगे मैंने, कितनी किताबें पढ़ी हूँ किताबें को पढ़ने के बाद। और ये क्योंकि मैं रूटीन में करता हूँ, ये आपके लिए अलग से नहीं, लेकिन मैं जब भी करूंगा तो नए सिरे से ये कागज जो है मैं इसके बाद ही फाड़ दूंगा जो मैंने अभी तैयार किए थे। क्यों? कि मैं जितनी बार करूंगा उतनी बार मुझे नई किताबों को
हाँ नई किताबों को पढ़ने का अवसर मिलेगा ना, अगर ये बना दूंगा तो वही जो है क्या कहते हैं, जैसे अपने वॉशिंग टब का पानी होता है उसी में घूमता रहता है। जीवन को नदी बनाइए, उसमें प्रवाह रहना चाहिए, प्रवाह रहेगा तो नदी जो है मीठे पानी की जलधारा बनी रहती है। लेकिन अगर वो तालाब बन जाता है तो तालाब का पानी लोग पीते नहीं है, उसमें जहर हो जाता है। तो ये सोच के साथ में भी है कि हम बढ़िया करें, बढ़िया सोचे और जो बढ़िया हो सकने के लिए बढ़िया चीजें हैं उनको करें। तो एक तो जो है सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। कुछ चीजें जो है और आपके ध्यान में ले आता हूँ जो कि एक बढ़िया अच्छी सोच के लिए जरूरी है। और सुबह जल्दी उठें, कोशिश करें कि जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके चरण स्पर्श करें, कुछ नहीं कर सकते तो नमस्ते कह दें और राम राम कह दें, जो भी आपके इलाके में कहा जाता है उस तरह से करें। शरीर को जो स्वस्थ रखने का एक तरीका ये है कि व्यायाम करना चाहिए। जो लोग व्यायाम कर सकते हैं व्यायाम करें, प्राणायाम कर सकते हैं प्राणायाम करें, जो लोग जो है दौड़ भाग कर सकते हैं दौड़ भाग करें। तो इस तरह से जो है आगे बढ़े। और भोजन में हमें जो है ये चाहिए कि सभी तरह का भोजन हम अपने थाली में शामिल करें, मीठा भी हो चरपरा भी हो उससे खट्टा भी हो, तो ये सारी चीजें सारे तत्व तो हमें एक साथ मिलते हैं। और इस तरह से हम बढ़िया हो सकने के लिए बढ़िया कर सकते हैं। जब खाना भोजन कर रहे हो तो उस समय बातें न करें, टीवी भी ना देखें, तो ये करेंगे तो उसी दिन भोजन पचने में भी वो रहती है, सात्विकता रहती है। मैं कोई जो है आपको धार्मिक उपदेश नहीं दे रहा हूँ, ये बिल्कुल जो है आपके शारीरिक उसके लिए बहुत जरूरी सी बातें हैं जो करना चाहिए। और प्रतिदिन जो है बच्चों के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, उसे एक एनर्जी मिलती है। रात को 10 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए, 10 बजे सो जाना चाहिए, चाहे कितनी भी जरूरी बात है। तो आप सो जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए और जल्दी से अपना काम कीजिए। आप अगर लुंज पुंज बने रहते हैं तो लोग आपको जो है हल्के में लेते हैं, थोड़ा स्मार्ट होती है, अपने कपड़े वपड़े बढ़िया ढंग से पहनना चाहिए और हल्के फुल्के लोगों को लोग जो है हल्के फुल्के ही लेते हैं। और जिन लोगों ने आपकी कभी मदद की है तो उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, ये हमारी जो है उसमें होना चाहिए, आदत में होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने आपका मदद की थी और आपने इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत जरूरी बात है कि हम उनका आभार व्यक्त करें। और आभार व्यक्त करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने को गिरवी रख रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि हम अच्छे इंसान होने के लिए काम करें, निराशाओं को कतई भी अपने करीब ना आने दें। और जहाँ कहीं भी झगड़े तंटे वगैरह हो रहे हों उसमें अगर समाधान आप दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा, लेकिन आग में घी डालने का काम मत कीजिएगा। कई बार हमारे यहाँ रायचंद पैदा हो जाते हैं बीच बीच अनावश्यक रूप से, वो सलाह देने के लिए बीच में आते हैं और उससे फिर घरों में कई प्रकार के काम बिगड़ जाते हैं। और जो लोग असफल समझते हैं कि वे असफल हैं, तो जो उन्हें ये करना चाहिए कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, काम करने का तरीका बदले, लक्ष्य को न बदले। लक्ष्य बदल करके तो फिर आप हार गए ना। एक बात जो मैंने शुरू में कही थी वो ये थी कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीजें आपके करीब हैं और उन्हें आप करिए। लेकिन अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इन सब चीजों का आप जो है ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप तो काफी सफल होंगे। और अब जो है मन्ना जी चाहे तो जो है वो अपनी बात कह सकते हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि माता साहब कुछ कहेंगे जी। प्रखर कितने लोग जुड़े हुए हैं, प्रखर अगर बता दें कितने कितने कितना टाइम है अभी? तो दीप माथुर जी भी जुड़े हुए हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। 4-5 मिनट होंगे हैं, 4-5 मिनट होंगे, 4-5 मिनट बाकी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थपलियाल सर ने जो कुछ भी बातें बताई हैं मेरे ख्याल से काफी गंभीर बातें हैं, और उसमें से कुछ बातों पर अगर जीवन में आचरण कर लें, ऐसा उसको अपने जीवन में आचरण बनाए, ऐसा आचरण में लाएं, तो मुझे लगता है कि सकारात्मकता की लॉ
के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि सफलता की तरफ जीवन जो है वो आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं भी बड़े गंभीरता पूर्वक और ध्यान पूर्वक जो है उन बातों को सुन रहा था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये लोग जुड़े, और खबर के लिहाज से भी कि विवेकानंद जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, याद किया, उनको नमन किया, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है, भारत सरकार द्वारा भी 12 जनवरी, तो उसी उपलक्ष में ये वेबिनार काफी सफल रहा। तो विवेकानंद जी के जीवन को पढ़कर भी काफी हम, जैसे किताब पढ़ने की बात थपलियाल सर ने बताई, तो इनका जीवन ही एक प्रेरक रहा है। और आपने आपको बताया कि जब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा जब बिहार हुई थी, जब आरजेएस के प्रेरणा स्रोत रामजग सिंह जी ने उस यात्रा को कराया था, तो कई जगह बैठकें हुई थी, स्कूलों में भी हुई थी, तो उसमें पारसार्थी थपलियाल जी का आलेख जो है वहां गांव-गांव में बच्चों और घरों तक पहुंचा था, बच्चों के माध्यम से, स्कूल के बच्चों और सेंटर के बच्चों के माध्यम से पहुंचा था। तो पारसार्थी थपलियाल जी हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि ऐसे महान लोग जो हैं, जो समाज के लिए तत्पर रहते हैं, अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन थपलियाल सर का जीवन जो है, क्योंकि मैंने तो आकाशवाणी में इनके सानिध्य में काम किया है, तो इनके व्यक्तित्व से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं, तो इसलिए हमें ऐसे वक्ता को सुनने का अवसर मिला आज, और संपूर्ण रूप से कल भी हम लोग और तैयारी करके आप लोग आइएगा, और जो नोट शीट है उसको थपलियाल सर ने कहा कि आप लोग भेज दीजिएगा, मेरा पर्सनल भी नंबर होगा आपके पास, तो चाहे पर्सनल ही भेज दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्रुप में नहीं भेजिएगा, क्योंकि फिर हम थपलियाल सर को ये पहुंचा देंगे, फिर वो आकलन करेंगे, फिर कल आप लोग जुड़ेंगे तो थपलियाल सर देखिए उसमें सच बात लिखिएगा, सच बात लिखेंगे तो आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर को अगर मरीज अपना रोग नहीं बताएगा सही से तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। आज मुख्य रूप से आज जो सम्मानित अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर थे जसवीर सिंह जस्सी साहब, वो भी उपस्थित थे, वो कोरोना योद्धा भी हैं और पत्रकार की पोटली के माध्यम से वो जगह जगह जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, और उन्होंने अभी नई शादी हुई है उनकी अभी, तो उन्होंने जो 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 लोग समाज सेवी थे उनको ही आमंत्रित किया था, वही लोग उनके मुख्य अतिथि वगैरह थे, और हिंदी खबर जो राष्ट्रीय चैनल है उसमें आप संवाददाता हैं और आप जुड़े, ये बहुत अच्छा लगा। अमेरिका से जो म्यूजिक मेंटर है वहाँ गुजरात के रहने वाले हैं लेकिन अमेरिकन नागरिक बने हैं, प्रशांत सोनी जी वहां पे इस वक्त बता रहे थे 4 बज रहे होंगे, अब वो रात का समय सीजन होगा, तो जुड़ने वाले थे लेकिन उन वजहों से वो नहीं जुड़े, लेकिन वो आरजेएस के राष्ट्रीय ग्रुप। ये रिकॉर्डिंग जो है वो डेली डायरी न्यूज के सौजन्य से हो रही है और ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी, कल तक इंतजार कीजिए, आज भी मिल सकती है, कल तक ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसको आप दोबारा भी सुन सकते हैं। लेकिन कल का सेशन 2 बजे से शुरू होगा, 2:30 बजे से, 2:30 बजे से शुरू होगा, तो आप लोग उस तैयारी से आए कि आपको पारसार्थी थपलियाल साहब के साथ इंटरेक्शन भी करना होगा, अब बतानी होगी, क्योंकि वो आपकी समस्याओं के लिए ही अपना दोनों दिन समय दे रहे हैं और पर्याप्त समय है। आज भी डॉक्टर मीना जी और संतोष झा जी से बातचीत जो हुई उससे दूसरे भी प्रेरित हुए, तो हमें बातचीत करने के लिए आगे आना चाहिए। और आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान जो है विवेकानंद जी को समर्पित जो है 2 अवार्ड हैं विवेकानंद जी के नाम पे, 3 अवार्ड हैं, एक आशीष पांडे जी मध्य प्रदेश से और नोएडा से जो प्रखर वार्ष्णे जी हैं जी ने भेंट किया है, श्रीमती विनय वार्ष्णे जी ने, और प्रखर जी के पिताजी की स्मृति में विवेकानंद जी के नाम का, और स्वयं आरजीएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने भी ये अवार्ड घोषित किया है स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। समय है तो माथुर साहब को भी एक बार जो है अवसर दे, समय है माथुर साहब, माथुर साहब मैंने अनाउंस पहले ही किया था कि माथुर साहब इसका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और सबको आमंत्रित करेंगे तैयारी के साथ कल 2:30 बजे उपस्थित होने के लिए। 10 जनवरी है और हिंदी दिवस है और हम लोग बातचीत भी हिंदी में कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कल विश्व हिंदी दिवस है, विश्व पैमाने पे हिंदी दिवस का आयोजन होता है, तो हम लोग इस अवसर पर भी बातचीत। दीप माथुर साहब, आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर साहब को आमंत्रित करते हैं। जी जी, ये आज हमारा
बहुत सौभाग्य है कि हमें स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर एक इतने प्रखर वक्ता, चिंतक और लेखक श्री पार्थसारथी तपलियाल जी के विचार सुनने को मिले। उन्होंने जिस तरह अपने विचारों को किस्से, कहानियों, घटनाओं में प्रोया, वो एक बहुत प्रशंसनीय है। एक जो अपनी बात को, जो उनको समझाने का ढंग है, वो बहुत सुंदर है और ये चीज़ बहुत प्रभावित करती है। मतलब जो जिन किसी भी बात को अगर वो इस तरह समझाया जाता है तो हमारे दिल में उतर जाती है। तो अब थपलियाल साहब ने बहुत सी बातें बताई कि बताया कि जब ऑफिस में थे तो उन्होंने अपनी दीवार पे एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि बाधाओं की दीवार में समाधान का रास्ता होता है। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक वाक्य है। और आपने जैसे बताया कभी पुरुषार्थ से हम सब कुछ पा सकते हैं, आपने पॉजिटिव थॉट्स की जो ताकत है उसके बारे में बताया, आपने कहा कि नज़र बदलो, नज़रिया अपना बदल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और हमें आशा है कि हम जो सब इन बातों को ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में और सार्थकता लाएंगे। तो आपने जो कहा कि सोच बदलने से दुनिया बदल जाती है, दृष्टि बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे, सृष्टि बदलेगी। हाँ, मोच पांव की मोच और सोच आगे नहीं बढ़ने देती है। तो बहुत अच्छा आपने बताया। आपने जो हमारे अवगुण हैं जैसे अहंकार है और इस तरह के बहुत सारे जो अवगुण हैं आपने बताया कि उनको किस तरह हम काबू रख सकते हैं, क्रोध पे हम किस तरह काबू रख सकते हैं। तो व्यक्तित्व के परिवर्तन से ही संसार के परिवर्तन की राह निकलती है। आपका कहने का सारांश ये है कि अगर हम अपने आप में परिवर्तन करेंगे तो दुनिया में अपना भी स्वतः ही परिवर्तन आएगा। तो पहला जो एक इकाई है परिवर्तन की, वो हम स्वयं ही हैं। हम अपने में परिवर्तन करें, बाकी तो दुनिया अपना परिवर्तित हो जाएगी। आजकल अपने विचारों पर, अपने मूड पर काबू रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि लाइफ इतनी टेंस हो गई है कि मतलब इतने प्रेशर्स होते हैं, इतने काम होते हैं, इतना इधर उधर से खिंचाव होता है कि आदमी को अपना मेंटल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जैसे विचारकों के साथ, महापुरुषों के साथ बैठ कर जो हमको विचार सुनने को मिलते हैं, उससे लगता है कि हाँ भाई, हम भी अपने क्रोध पे काबू पा सकते हैं, हम भी अपने एक्टिविटी पे काबू पा सकते हैं, हम भी पुरुषार्थ के मार्ग पे चल सकते हैं, हम भी अंधेरे में कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो ये जो आज ये वेबिनार है, ये इसी उद्देश्य से ऑर्गेनाइज की गई है कि हम अपने अंदर पॉजिटिव सोच को किस प्रकार पैदा करें, किस प्रकार हम ये जो बाधाएं हैं दुनिया में हमारे सामने आती हैं इनके ऊपर हम विजय पाएं। तो ये एक बहुत अच्छी आपने बात कही। आपने कहा कि फॉरगेट द पास्ट, पता ये कहते हैं कि आप अगर भूत में जी रहे हैं या तो भूत ही हो गया, और जो भविष्य है उसका हमको पता नहीं क्या होगा, तो जो वर्तमान है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारी पुराने कोई बातों को हम याद करके दलदल में फंसे रहेंगे तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम आगे की सोचेंगे तो हमको आगे का पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। तो जो है जीवन है, आपने जैसे बताया कि प्रेजेंट ही जीवन है, वर्तमान ही जीवन है, इसको जियो, अच्छी तरह जियो, खुशी से जियो। एक मैं अभी ना एक